नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फल उत्पादकों को पैकेजिंग सामग्री पर सब्सिडी देगी सरकार। बैटरी से चलने वाला प्लांटर और कल्टीवेटर हुआ लॉन्च। वृक्षारोपण करने पर सरकार दे रही 10,000 रुपए प्रति एकड़। किसानों और गरीबों को 10 लाख तक का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फसल उत्पादकों, बागान परिचालकों को पैकेजिंग सामग्री की खरीद पर 6% सब्सिडी देने का फैसला लिया है। ये सब्सिडी एचपी बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम के जरिए कार्टन और ट्रे पर दी जाएगी। ये निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। योजना का लाभ लेने और अन्य जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि कुछ समय पहले ही प्रदेश में सेब की पैकिंग ट्रे के दाम 700 रुपए से बढ़ाकर 745 रुपए हो गए हैं और राज्य के कई क्षेत्रों में ये 785 रुपए तक बिक रही है। यही नहीं, पिछले साल के मुकाबले इस साल के कार्टन के दाम लगभग 18% तक बढ़ चुके हैं। इसीलिए किसान काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन सब्सिडी मिलने से उन्हें राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले में लगी किसान प्रदर्शनी में बैटरी से चलने वाला प्लांटर और कल्टीवेटर लॉन्च किया है। ये दोनों कृषि यंत्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तहत संचालित कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक इन यंत्रों के उपयोग से कृषि कार्य में लगने वाला वक्त और लागत दोनों में कमी आएगी। वहीं इनके उपयोग से पशुओं पर भी बोझ कम पड़ेगा। पशु चलित बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर की मदद से 1 हेक्टेयर खेत की 5 से 7 घंटे में एक बार द्वितीयक जुताई की जा सकती है। कल्टीवेटर में 750 वोल्ट की मोटर लगी हुई है, साथ ही 48 वोल्ट की बैटरी भी लगाई गई है। वहीं प्लांटर की मदद से बीज की कतारबद्ध और तय दूरी पर बुआई की जा सकती है और इसकी मदद से फसल के अनुसार कतार से कतार की दूरी 20 से 50 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। इस प्लांटर को बनाने में करीबन 20 से 25 हजार रुपए की लागत आई है। छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना चला रही है। इस योजना के तहत खाली पड़े खेतों में पेड़ पौधे लगाने पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाते हैं। किसानों को ये प्रोत्साहन राशि गैर वन क्षेत्रों में इमारती लकड़ी, गैर इमारती लकड़ी और फलदार वृक्ष, बांस, लघु वनोपज और औषधीय पौधों का वृक्षारोपण करने पर दी जाएगी। बता दें कि योजना के तहत खाली पड़े खेत में पेड़ लगाने पर 3 सालों तक 10,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाते हैं। योजना के अंतर्गत अगर किसान धान या अन्य फसल को लगाने के बजाय फलदार पौधे लगाते हैं तो भी उन्हें 3 वर्षों तक 10,000 रुपए प्रति एकड़ तक की राशि दी जाती है और किसानों को ये राशि वृक्षारोपण के 1 साल होने के बाद दी जाएगी। आप अपने जिले में स्थित नजदीकी वन परिक्षेत्र कार्यालय में जाकर योजना में आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चला रही है। योजना के तहत गरीबों और किसानों को 10 लाख तक का निशुल्क बीमा कवर दिया जाता है। योजना में चिकित्सा बीमा के साथ ही 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है। योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक की सभी जांचों, दवाइयों और डॉक्टर का परामर्श शुल्क शामिल किया जाता है। लघु और सीमांत किसान, संविदा कर्मी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी, निराश्रित व असहाय परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को फ्री में योजना का लाभ मिलता है, तो वहीं अन्य सभी परिवारों को योजना का लाभ लेने के लिए 850 रुपए सालाना प्रीमियम भरना होगा। आप वेबसाइट chiranjeevi.rajasthan.gov.in पर जाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।